वायर और केबल्स बनाने वाली कंपनियों में जबरदस्त तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है, और एक तो वजह है कि डिमांड काफी जबरदस्त है, दूसरी तरफ रॉ मटेरियल के दाम भी कम होते हुए दिख रहे हैं। आइए इसी उपलक्ष्य में हमने आज आमंत्रित किया है KEI इंडस्ट्रीज को, जो कि देश में वायर और केबल्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी है, 50 से ज्यादा देशों तक कंपनी की पहुंच है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 1979 से आप कंपनी के साथ कार्यरत हैं, 40 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव इस इंडस्ट्री का गुप्ता साहब रखते हैं। गुप्ता साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इससे पहले कि मैं आपको डिमांड के माहौल पर बात करूं, इससे पहले ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से मेटल्स के दाम घटे, स्पेशली कॉपर वगैरह जो आपके रॉ मटेरियल के तौर पर काम में आते हैं, कितना फायदा आपकी कंपनी को और ओवरऑल इंडस्ट्री को मिल रहा है रॉ मटेरियल के दाम घटने का? धन्यवाद सिंह जी। सबसे पहले तो पहले भी मैं काफी सारे इंटरव्यूज में मैंने कहा है कि दाम घटने से या बढ़ने से हमारे मार्जिन पे असर नहीं होता। जहां तक मार्केट का सवाल है, डेफिनेटली जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स लेकर बैठे हैं, दाम घटने से उनको जरूर फायदा होता है, बिकॉज उनके लिए उनकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम हो जाती है और उनके बहुत सारे ऑर्डर्स जो है फर्म प्राइस होते हैं उनके पास, और उनके मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं, या उनके ये कहिए कि उनके मार्जिन प्रोटेक्ट हो जाते हैं। बात है तो मार्जिन पर आपके फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगर दाम बढ़ेंगे तो भी आप ज्यादा चार्ज करेंगे, कम होंगे तो भी आप पास ऑन कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब आते हैं सर डिमांड पर, डिमांड कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है? देखिए इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं काफी स्ट्रांग डिमांड के दौर से गुजर रहे हैं। मैं बात करूं जैसे पावर जनरेशन में सोलर सेक्टर काफी मजबूत डिमांड है। इसके अलावा अब थर्मल पावर प्रोजेक्ट और सम पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स अगले एक साल में काफी ज्यादा डिमांड आती दिख रही है इन सब में, और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पावर सेक्टर में ये काफी तेजी से स्ट्रेंथन हो रहा है और इसमें डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सब सेक्टर्स जो हैं ग्रो हो रहे हैं। तो डिमांड मुझे लगता है कि जिस तरह का कैपेक्स इकोनॉमी में पंप इन हो रहा है, चाहे वो सरकार से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो, तो ये डिमांड जो है हमारे सेक्टर में काफी ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी। PLI स्कीम्स की वजह से काफी नई इंडस्ट्रीज जो हैं कंस्ट्रक्शन में आएंगी और आ चुकी हैं, और इसमें भी केबल विल बी ए मेजर बूस्टर इन डिमांड। परफेक्ट। अब ये बताएं सर कि इसके साथ ही क्या प्राइसिंग पावर भी है, भले आप कॉस्ट के हिसाब से ना देखें लेकिन डिमांड के हिसाब से क्या आप कोई दाम बढ़ाने अभी हाल ही में बढ़ाई है या फिर बढ़ाने का सोच रहे हैं? देखिए डिमांड के हिसाब से प्राइस मार्जिनली बढ़ते हैं और इस टाइम डिमांड अच्छी है। आपने देखा होगा इबिटा मार्जिन्स भी इस टाइम रफली 11% के करीब चल रहे हैं, जो पहले से आधा परसेंट ज्यादा है, और मैं समझता हूँ और आधा से 1% इम्प्रूव हो सकते हैं। तो देखिए हम जिन कस्टमर्स के साथ या कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ रेगुलरली काम करते हैं, सिर्फ डिमांड बढ़ने से बहुत ज्यादा प्राइस का हम एडवांटेज नहीं लेना चाहते, ये एज ए बिजनेस पॉलिसी। ठीक बात है। कुछ इस वक्त ऑर्डर बुक के बारे में अंदाजा दें सर, कितने ऑर्डर सब आपके हाथ में है इस वक्त? रफली 3600 करोड़ के ऑर्डर इस टाइम हाथ में हैं, और जिसमें इस ऑर्डर बुक में हम B2B ऑर्डर्स और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को शामिल करते हैं। जो B2C ऑर्डर्स होते हैं, जो हमारी सेल का रफली 50% है, उसको हम ऑर्डर बुक में नहीं डालते हैं, बिकॉज वो ऑर्डर्स आते हैं और 15 से 20 दिन में स्टॉक से या इन्वेंट्री से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ओके, परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब, आपने समय दिया और विस्तार से इंडस्ट्री के बारे में और अपनी कंपनी के बारे में आपने बताया किस तरह का माहौल इस वक्त है। वायर और केबल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट है बिजनेस का, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ आगे चलते हुए बढ़िया वॉल्यूम्स और मार्जिन रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। आइए